Hello everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper based current affair questions. सबसे पहले आपको क्वेश्चन रिलेट करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. न्यूज़ में क्यों है? लॉ मिनिस्टर ने बोला है दैट गवर्नमेंट्स एजेंडा इज टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से पार्ट में आता है? क्या ये DPSP का हिस्सा है? यही इसी बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है? DPSP आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आइडिया ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हम दोबारा से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे. सबसे पहले पार्ट में क्या जानना है कि ये क्या पार्ट फोर्थ का हिस्सा है, दूसरा है कि क्या इसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे जो DPSP की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है कि ये हमने फ्रेंच से बोरो किया है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट फोर का पार्ट है. यस, दिस इज करेक्ट. दूसरी बात है, आइडिया ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. क्या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? नो. यहां पे क्या आ जाएगा आपका? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. एट द प्लेस ऑफ फ्रेंच यू विल सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? तो यहां पे आपका आ जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो हाफ ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. अगर ये दो स्टेटमेंट बना के आपको दे दी जाए तो यू हैव टू सी दैट इट इज इन द पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सही है लेकिन ये पार्ट आपका गलत है. तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल डायरेक्टिंग द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स आर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री कैन बी क्लासिफाइड एज गांधियन प्रिंसिपल्स. देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता है कि कौन सा आपका DPSP कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई. ये जनरली क्लासिफिकेशन देखी जाती है कितने कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. तीन प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड गांधियन प्रिंसिपल. बहुत सारे जितने भी आपके यहां पे DPSP हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, उनको क्लासिफाई कर दिया गया है कि इनके पीछे जो बनाने का आइडिया है दैट वॉज टू मेक अ सोशलिस्ट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए है, गांधियन स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए है या फिर लिबरल स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए है. हमारी जो पॉलिसीज बनेंगी वो इसके अकॉर्डिंग आएंगी, राइट? तो यहां पे इसी क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही है. तो पूछा गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम जाने कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, बस यही बात है कि जो भी लॉज, जो भी कानून बने वो सभी सिटीजन्स के लिए बराबर हों. किसी भी आपके सिटीजन के किसी भी रिलीजन स्पेसिफिक यहाँ पे लॉज ना चलें, कोई पर्सनल लॉज ना हो, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश हो इन द फॉर्म ऑफ सिविल कोड, राइट? तो अभी प्रेजेंट टाइम्स में इंडिया में क्या चल रहा है, मुस्लिम लॉज अलग हैं, हिंदू लॉज अलग हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अप्लाई करना है? ताकि सभी सिटीजन्स बराबरी की नज़र से देखे जा सके इन द आइज ऑफ लॉ, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जा रही है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या गांधियन प्रिंसिपल के अंडर हम मान सकते हैं इसको? क्योंकि यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि गांधियन प्रिंसिपल. नो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्लासिफाई किया ही नहीं है, राइट? तो यहां पे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहां पे क्या आ जाएगा आपका? लिबरल प्रिंसिपल. लिबरल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी हम इसको बोल सकते हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जनरली फॉल्स अंडर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट, DPSP आर नॉन जस्टिसिएबल. नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर कि आप कंपेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट को टू अप्लाई दीज, राइट? आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं कि DPSP में लिखा है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आई एम गोइंग टू द कोर्ट, राइट? अनलाइक फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसिएबल एंड आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि DPSP तो नॉन जस्टिसिएबल है और फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल. यहाँ पे भी आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एक ही स्टेटमेंट में. एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि DPSP जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसिएबल हैं या नॉन जस्टिसिएबल हैं, और ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स क्या ऑटोमेटिकली एनफोर्स करी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस statement is completely correct. DPSPs are non-justiciable. This is correct. And fundamental rights which are justiciable, this is also right. एंड आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड. फंडामेंटल राइट्स को ऑटोमेटिकली इन्फोर्स किया जा सकता है, राइट? तो हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट ही पूछा गया है आपसे, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग योर डीपीएसपी एंड मेजरली यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है इवन इन दी यूपीएससी एंड डिफरेंट स्टेट सर्विसेज की आपको एक साइड आर्टिकल नंबर दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड आपको बता दिया पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल यही स्टेट करता है या मैच द फॉलोइंग करके बताइए या फिर ये पेयर्स करेक्ट हैं, राइट. तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं दैट हियर आर्टिकल्स आर गिवन ऑन दिस साइड. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, आर्टिकल्स आर गिवन ऑन दिस साइड एंड व्हाट इट स्टेट्स इज गिवन ऑन दिस साइड एंड इट इज जनरली फोकसिंग ऑन डीपीएसपी, राइट. जो अभी हमने डिस्कस किए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. तो सबसे पहले आर्टिकल आपको दिख रहा है 44. तो क्या ये डिफाइन करता है यूनिफॉर्म सिविल, डिफाइन नहीं, क्या ये बोलता है डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है ये आर्टिकल? येस, दिस इज राइट. 48A की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे कोई और अल्फाबेट इंक्लूड कर दिया जाता तो ये गलत हो जाता. 48A, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट safeguarding forest and wildlife. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, this pair is correctly matched. 47 की अगर हम बात करें आर्टिकल, तो it focuses on improving public health. Also, it focuses on nutrition and standard of living. यहाँ पे अगर मैं nutrition की बात करती तो भी 47, और अगर मैं standard of living की बात करती तो भी यहाँ पे 47 सही हो जाता, right? तो this is also correct. Next is 39A, provide free legal aid to the poor. This is also correct. अगर social justice की बात करें, equal justice की बात करें, तो भी ये answer सही हो जाता. तो हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट? 1, 2, 3 and 4, ऑल आर करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपका ये अश्वत्थामा नाम का एक एलिफेंट, ही हैज डाइड इन अ पर्टिकुलर नेशनल पार्क. उसी नेशनल पार्क को हम वाया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट. माना गया है कि ये करंट लगने से एलिफेंट की डेथ हुई है, तो राइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क इसमें डिस्कस किया गया है. आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं. तो इट इज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क. तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे दी हैं और ये पूछा जा रहा है कि जितना भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे, कौन से आपके नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक. तो सबसे पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क. ओके जी, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 1999. क्या ये इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है और उसको टाइगर रिजर्व 1999 में बनाया गया था? ये एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. मेजर पार्ट इसका कर्नाटका में आता है. द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर कबिनी. ये नहीं बोला है कि कबिनी रिवर इस नेशनल पार्क से फ्लो रही है. बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे जो भी नदी फ्लो करती है इस रिवर के थ्रू, इस पार्क के थ्रू, वो एक ट्रिब्यूटरी है कबिनी की. बिकॉज अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली रिवर का नाम दे दें, क्योंकि रिवर के नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम है. तो कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करी जा रही है? सबसे पहला ऑप्शन है बांदीपुर, नेक्स्ट इज बनरघटा, थर्ड इज नागरहोल एंड नेक्स्ट इज कुद्रेमुख. कौन से नेशनल पार्क की यहाँ पे बात की जा रही है? तो बता दें आपको इट इज नागरहोल नेशनल पार्क. नागरहोल नदी, एक छोटी सी नदी है नागरहोल, वो इस पार्क से फ्लो करती है जो कि फाइनली कबिनी में मिल जाती है, राइट. तो ये सारी स्टेटमेंट्स किसको डिस्क्राइब कर रही हैं? नागरहोल नेशनल पार्क को डिस्क्राइब कर रही हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके जी, यहाँ पे आर्टिकल में बात की गई है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक नया मेथड डिस्कवर किया है जिसमें ग्राउंड वाटर से आर्सेनिक को सेफली रिमूव किया जा सकता है. इससे पहले क्या कोई मेथड नहीं था जिससे आर्सेनिक को रिमूव कर सकते थे ग्राउंड वाटर से? था. लेकिन मेजर बात क्या है यहाँ पर कि वहाँ से आर्सेनिक को रिमूव करके डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जा रहा है? बिकॉज अगर एक जगह से निकाला है, अगर उसको अनसेफली आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो वाटर पोल्यूशन को तो ठीक कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो? दूसरे पोल्यूशन को जनरेट कर रहे हो, राइट. तो यहां पे इन्होंने बोला है दैट वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड जिसमें हम आर्सेनिक को वाटर से तो हटा लेंगे लेकिन बाद में उसकी सेफ्टी डिस्पोजल भी ध्यान में रखा जाता है, राइट. तो यहां पे अब हम बात किस बारे में करेंगे कि वाटर कौन सी लिस्ट के अंदर आता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आर्सेनिक का लेवल है, फ्लोराइड का लेवल है, मेजरली वाटर पोल्यूशन की हम यहां पे बात करेंगे. तो सबसे पहली स्टेटमेंट है आपकी, वाटर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, राइट. शेड्यूल्स गिवन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं आपको. एक है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज आपकी स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. तो पूछा गया है वाटर एज अ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है? तो क्या ये कंकरेंट लिस्ट में आता है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
कहाँ आ जाएगा ये? स्टेट में. स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है वाटर. नेक्स्ट अगर देखें, द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर सेट बाय BIS आर 1 मिलीग्राम पर लीटर एंड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, कन्फ्यूजिंग भी है, तो इसको धीरे धीरे समझते हैं हम. सबसे पहले पूछा गया है, दो बातें करी गई हैं लिमिट की. कौन सी? एक है एक्सेप्टेबल, एक है परमिसिबल. दो तरीके की बातें करी गई हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक्सेप्टेबल लिमिट कौन सी है कि इतना आपके लिमिट एक्सेप्टेड है कि अगर मान लो ये आंसर अगर आपकी स्टेटमेंट सही है तो 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम तक फ्लोराइड इज एक्सेप्टेबल, इट इज फाइन, इट इज नॉट पोल्यूटिंग द वाटर. दूसरी बात क्या है? परमिसिबल. ये कैसे अलग है कि अगर किसी जगह पे वाटर सोर्स में आपका 1.5 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये परमिसिबल कब होगा? ऑल्दो एक्सेप्ट कितनी लिमिट करी गई है? एक. लेकिन अगर 1.5 है तो वो कब परमिसिबल है? जब वहाँ पे कोई भी अल्टरनेट सोर्स आपका प्रेजेंट नहीं होगा. आई विल रिपीट इट अगेन, अगर किसी जगह पे दूसरा कोई ऑल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है पानी का तो वहाँ पर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर आपका फ्लोराइड कंटेंट भी एक्सेप्टेबल है, परमिसिबल है. सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि आपका दूसरा ऑल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए वाटर का. अगर दूसरा सोर्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे लिमिट 1 मानी जाएगी. अगर सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ वाटर है और वो भी पोल्यूटेड है और उसमें 1.5 मिलीग्राम पर लीटर आपका कंटेंट है फ्लोराइड का तो दैट इज ऑल्सो परमिसिबल. फाइन. तो यहां पे पूछा गया है आपसे, एक्सेप्टेबल लिमिट बोल रहे हैं 1 एंड परमिसिबल लिमिट बोल रहे हैं 1.5. ओके जी. एंड किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोराइड की बात कर रहे हैं. किस में बात कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं. और यहां इंडिया में कौन सेट करता है ड्रिंकिंग वाटर के पोल्यूशन लिमिट की पोल्यूशन लिमिट? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट. इनिशियली ये लिमिट्स अलग थी, अब 2015 में इनको अमेंड किया गया है, ये चेंज की गई थी, राइट. तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहां पे स्टेट आ जाएगा एंड दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, राइट. नेक्स्ट इज आर्सेनिक के बारे में बात की गई है, द एक्सेप्टेबल लिमिट दोबारा से एंड परमिसिबल लिमिट. ओके जी. नेक्स्ट इज आर्सेनिक के बारे में, इन ड्रिंकिंग वाटर. ओके, एडॉप्टेड बाय BIS, सेम बात करी जा रही है. आर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.05 मिलीग्राम पर लीटर. तो बात की जा रही है, दिस शुड बी 0.01 एंड दिस शुड बी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड लिमिट्स इन द ईयर 2015. तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सेट की है ये आपके ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट. तो आपको ये क्वेश्चन दिख गया, आपकी ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी की दो स्टेटमेंट सही हैं. पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो गई हैं. ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. बनाई कब गई थी? 1945 में बाय अ चार्टर, राइट. तो यहाँ पे UNSC से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे डिस्कशन क्या है, न्यूज़ क्या है कि UNSC में रिजोल्यूशन पास हो गया है दैट अ सीज फायर इज नेसेसिटेटेड ऑन द बिटवीन द पैलेस्टीन एंड द इज़राइल, राइट. अभी वॉर सिचुएशन है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन हुआ है दैट देयर शुड बी अ सीज फायर, राइट. ये आपका रिजोल्यूशन पास हुआ है UNSC में. अब यहां पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या बात कर रही है. UNSC हैज 15 मेंबर्स ऑफ विच USA, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड UK आर द 5 परमानेंट मेंबर्स. तो इसके कंपोजिशन कैसी होती है आपकी? 15 मेंबर्स हैं, राइट. ये बोला गया है इसमें से 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हम P5 नेशन भी बोलते हैं, राइट. तो पूछा गया है कि P5 नेशन कौन से हैं. P5 नेशन क्या आपके USA, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड UK हैं. तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, राइट. नेक्स्ट इज G4. तो G4 एक आपका क्लब है नेशन का. G4 ग्रुप है, इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज. 4 कंट्रीज हैं, ट्रू, इंक्लूडिंग ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ पे G4 जो ग्रुप है, यूएन में ही ये ग्रुप एक बना हुआ है, तो जो ये ग्रुप है इसके मेंबर्स कौन कौन बताए गए हैं इस स्टेटमेंट में, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और बोला गया है दे एडवोकेट ईच अदर्स बिड्स फॉर परमानेंट सीट इन यूएनएससी। तो यहाँ पे पांच ही परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी मेंबर यहाँ पे परमानेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो मेंबर्स हैं स्टेटमेंट कह रही है कि ये मेंबर्स एक दूसरे की बिड जब रिजोल्यूशन मूव करते होंगे, तो एक दूसरे की बिड जब वो चाह रहे हैं, मान लो ब्राजील को चाहिए कि वो अब बिड चाहता है, वो उसने बिड किया है दैट आई वांट अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अदरवाइज एवरीवन इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट। तो यहां पे कह रहे हैं कि ब्राजील को अगर एक बिड मूव करनी है, एक रिजोल्यूशन मूव करवाना है दैट आई वांट अ परमानेंट सीट, तो यहां पे जर्मनी, इंडिया, जो भी G4 के नेशंस हैं वो यहां पे उसको अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे, दिस इज द ग्रुप, ठीक है। तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या यही कंट्रीज हैं? नो, दिस इज नॉट देयर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जापान है इस ग्रुप में, राइट, दिस इज द G4 ग्रुप। नेक्स्ट इज इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द 5th टाइम एज द नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएनएससी इन 2021। तो आपका अभी इंडिया को 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से एक इंडिया को भी यहाँ पे चूज किया गया था 5th टाइम, क्या इनको चूज किया गया है? नो, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8th टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है 2021 में ऑन द नॉन परमानेंट सीट ऑफ द यूएनएससी, ठीक है। सबसे पहले इंडिया कब हुआ था इलेक्ट, 1950 में सबसे पहली बार इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिली थी यूएनएससी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि यूएनएससी में एक नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल, कितने टर्म के लिए इलेक्ट होता है, और ये आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2009 में आपसे पूछा गया था दैट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द 5th टाइम, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, राइट। सो कमेंट डाउन योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।